शाहरुख को अंकल कहना सारा को पड़ा भारी, फैंस ने कर दिया ट्रोल। सारा अली खान ने बॉलीवुड में केदारनाथ से डेब्यू किया था, उसके बाद फिल्म सिम्बा में भी नजर आ चुकी हैं। दोनों फिल्म की हिट साबित हुई, साथ ही उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एक अवार्ड शो में फिल्म फेयर के बारे में बात करते हुए सारा अली खान ने शाहरुख खान को अंकल कह दिया, जिसके बाद शाहरुख खान के फैंस ने सारा अली खान को काफी ट्रोल किया। उन्होंने सारा अली खान का काफी विरोध किया। उसके बाद फैंस ने सारा अली खान का बचाव किया। फिल्म फेयर के बारे में बात करते हुए सारा अली खान ने कहा कि मेरे पिता शाहरुख अंकल के साथ फिल्म फेयर होस्ट किया करते थे, मुझे ये अच्छा लगता था। उसके बाद शाहरुख खान के फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई फैंस ने कहा कि शाहरुख को अंकल कहकर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर अंकल की जगह सर शब्द ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद सारा अली खान के कई फैंस उनके बचाव में बोलना शुरू कर दिया, कहा कि आप 23 साल की एक लड़की से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने पापा से भी बड़े उम्र के एक्टर को और क्या कहकर बुलाएगी। फैंस को ये समझना होगा कि शाहरुख खान की इतनी उम्र हो चुकी है कि उन्हें अंकल कहकर बुलाया जाए। आपको बता दें कि सारा अली खान को बॉलीवुड में आए हुए बहुत कम समय हुआ है, पर उन्होंने काफी फैन फॉलोइंग बना ली है। वो काफी चुलबुले अंदाज में नजर आती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। काम की बात करें तो सारा इन दिनों कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म में उनके पापा सैफ भी होंगे। सैफ फिल्म में कार्तिक के पिता का रोल कर रहे हैं। सारा अली खान का नाम पिछले दिनों सुशांत सिंह के साथ जुड़ा था। खबर आई थी कि सारा अली खान अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ के को-स्टार और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही है। कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इन दिनों दोनों के ब्रेकअप हो गया। आपको बता दें कि फिल्म केदारनाथ से सारा अली खान सुशांत सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। आपको याद दिला दे कि कॉफी विद करण में करीना कपूर खान ने भी सारा के रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ी बात कही थी।